जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। कुछ मजीद लोग हैं जिनको हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे और हमसे बात करना चाहते हैं। क्या उम्र है आपकी? 15 साल। और आपका नाम? दानिश। दानिश, बहुत प्यारा नाम है आपका। दानिश, दानिश आप कब से काम कर रहे हो? 2 साल हो रही थे। यानी आप 13 साल के थे, 12 साल या 13 साल के जब आ गए थे यहाँ? जी। क्या काम करते हो? दोनों मल्टी काम से वाले सारे कर देता हूँ। सारे काम कर लेते हो? दीदी सारे काम। और कितना कमा लेते हो? 12 कमा लेते हैं। आपको छुट्टी मिलती है काम से? जी। कौन से दिन? संडे को। संडे को आपकी छुट्टी होती है क्योंकि मार्केट संडे को बंद होती है। अगर मार्केट खुले तो आप भी आते हो? जी। अब ये बताओ कि कितने घंटे काम करते हो? 12, 13, 14? 10 बजे आता हूँ, काम तो 6 बजे चला जाता हूँ। कभी कभी ज्यादा काम भी करना होता है? जी। 12 घंटे कर लेते हो? और जब बीमार हो जाओ तो आपको दवाई आप खुद लेते हो या फिर जिसके दुकान पे काम करते हो वो लेके देता है? हम आप लेते हैं। खुद लेते हो? हुकूमत ने आपके लिए कुछ करें अगर तो क्या आप चाहते हो हुकूमत आपके लिए कुछ करे? जी। क्या? वो दो तरह से हम चल ले रहे, वो दो तरह से हम चल ले रहे। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अच्छा, आपका नाम? यशवा। यशवा, कितने साल के हो? मुझे पता नहीं। पता ही नहीं आपको? पापा को पता है। पापा को पता है? 8 साल के। फिर भी कितने साल की हो गए? 6 साल, 7 साल का होगा। 7 साल? 7 साल का होगा। हाँ ये होगा क्योंकि आपको छोटे लग रहे हो मुझे। कब से काम कर रहे हो? 6 साल हो गए वो काम कर रहे हैं। पैदा होते साथ ही काम करना शुरू कर दिया? इतना मासूम बच्चा है, उसको ये नहीं पता कि उसकी उम्र क्या है और वो कब से काम कर रहा है। तो वो अपने इनोसेंसी में, मासूमियत में जो सवाल पूछ रही हूँ उसके जवाब देने की कोशिश कर रहा है। और कैमरे के आगे बोलना कोई आसान काम नहीं है, इस वजह से शायद उसको मालूम नहीं है कि उसने बोलना क्या है। अच्छा बताओ कि कितना कमा लेते हो? 600 रुपया। छुट्टी मिलती है इतवार को? मिलती है। मार्केट बंद होती है इसलिए छुट्टी मिलती है। अगर मार्केट खुले तो फिर आपको आना होता है? आना होता है। आना होता है ना। अच्छा ये बताओ कितने घंटे काम करते हो? 12 घंटे 13 घंटे? रात को जल्दी छुट्टी हो जाती है। हो जाती है। और अगर ज्यादा काम हो तो नहीं होती? नहीं होती। नहीं होती ना। और अगर बीमार हो जाओ तो आपको दवाई कौन लेके देता है? खुद लेते हो कि मालिक लेके देते हैं? पापा लेके देते हैं। खुद लेते हो यानी कि। चलें शशवा, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। छोटे बच्चों की आपने बात सुनी है नाज़रीन। कुछ और मजीद दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं। वो इन बच्चों के बारे में क्या कहते हैं ये भी जान लेते हैं। सर, कितनी तादाद में बच्चे यहाँ काम करते हैं? तो आपके सामने ही हैं, तो सौओं की तादाद में होते हैं बच्चे। सुबह सुबह आ जाते हैं बेचारे। इनमें से कुछ बच्चे स्कूल गोइंग भी हैं, स्कूल भी जाते हैं। जैसे ये छोटा बच्चा है, ये स्कूल भी जाता है, सेकंड टाइम आके काम भी करता है। अच्छा। तो ये बल्कि इनमें ये बातें ही होती हैं जिनको तहफ़ मिलेगा। कौन तहफ़ देता है? कोई तहफ़ नहीं देता है। तो बेचारे सुबह आते हैं, माँ बाप इनको पकड़ाते हैं, लो जी थैला। सर, हुकूमत तो रियासत शहरियों की माँ है, तो माँ इनका ख्याल नहीं रखती? माँ बस वो बातों में ही माँ है, वैसे कुछ नहीं कहती। अब ये देखें, ये बच्चे है, ये देखें, ये अब ये कितना छोटा बच्चा है। ये दिखाइए कैमरामैन, ये दिखा दें। बहुत छोटे बच्चे हैं। जिस तरह से मैंने पहले मेंशन किया है कि जब ये कैमरा ऑन होता है तो यहाँ पे बात नहीं करते हैं और चले जाते हैं। आप इधर आओ मेरे साथ, इधर आइए, जरा कैमरे में आइए। ये 6 में है। ये तो ये बात है, स्कूल के बाद में आके मुझसे काम करता है, बड़ा अच्छा, खुशी भी होती है। फिर इनमें एक अना है, तो कस्टमर कहता है ना जी आप चलो पैसे रबड़ा लगाओ, पैसे ले लो। ये कहते हैं नहीं, आप रबड़ लगाएंगे तो हम फिर पैसे लेंगे। तो हमें प्राउड भी होता है इन बच्चों पे, कितनी उम्र में इतना मतलब इनमें है, वरना ये मांगना बेहतर नहीं समझते, काम करना। ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, आप कौन सी क्लास में हो? 8 में। आप? 6 में। ये बच्चे 8 और 6 क्लास में पढ़ते हैं और काम भी करते हैं, इतने खुद मुख्तार हैं कि ये इनके यहाँ पे जो दुकानदार हैं वो इनकी बात की गवाही दे रहे हैं कि ये इनके अंदर इतनी खुददारी है कि किसी से एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेते, अपने काम का मुआवजा ही लेते हैं। तो ऐसे बच्चों की कफालत तो करनी चाहिए रियासत को। ये तो हक है, ये तो इनको डिजर्विंग ही बच्चे हैं, इनके लिए तो स्पेशल होना चाहिए कुछ ना कुछ, ये ताकि ये बच्चे अपना काम भी करें और अपना घर का सिलसिला भी चलाएं। ये तो बिल्कुल डिजर्विंग बच्चे हैं। बच्चे, तो आप कुछ कहना चाहोगे? कोई पैगाम आपके लिए कुछ होना चाहिए क्योंकि आप पढ़ते हो? ये पढ़ते हैं कि अगर आपको वजीफा मिल जाए, कोई स्कॉलरशिप मिल जाए, तो आप काम ना करो, सिर्फ पढ़ो। हाँ जी। आपकी पोजीशन आती है? जी। कौन सी? कभी 12 आती है, कभी 6 ऐसे आती रहती है। थर्ड पोजीशन भी आती है, 6th पोजीशन। फर्स्ट आए हो कभी? नहीं, फर्स्ट नहीं आए, क्योंकि आप काम भी करते हो, इधर भी फोकस रहता है आपका। आपकी पोजीशन आई है कभी? आई है। कौन सी पोजीशन आई है? बात कर रहे हैं। चले, कोई मसला नहीं है, बात नहीं करना चाहता, शर्माता है। आपका नाम? कैसर। कैसर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और हमें आप पे फख्र है और हम चाहेंगे कुछ ना कुछ आपके लिए करें, और हुकूमत से भी अपील करेंगे। हम अपने तौर पे भी कर लेते हैं, आप भी कुछ अपील कर लो हुकूमत से कि आपके लिए कुछ करें।
हमारे लिए करे बस, हम काम ना करें, हम बस पढ़े। आप काम ना करें, पढ़े हो, पढ़े, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। पढ़े लिखे बच्चों की निशानी कि उनको पता है कि हमने हुकूमत से मांगना क्या है, मांगना क्या, अपना हकूक मांगते हैं, हमें हक दे, हमें काम ना करना पड़े, हम पढ़े और अपना हमारा वजीफा लग जाए। सर बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन आइए थोड़ी और भी आपको हकायक से आगाह करते हैं, कुछ मजीद भी लोगों से हम बात करते हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या थी ये आपने देखी है। अब माहिर कानून की जानिब चलेंगे। शराज जका साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं और इस इशू पर क्या काम कर चुके हैं वो अपनी जबानी खुद बताएंगे। शराज जका साहब, हम प्रोग्राम में आपको शामदीद कहते हैं। आपसे बात करने से पहले हम एक होटल के बाहर मौजूद थे, एक सड़क पे मौजूद थे जो कि लाहौर की मारूफ सड़क है और वहां पर मुतादिद बच्चे रोजाना की बुनियाद पर आते हैं, काम करते हैं, जिनकी उम्र 6 से लेकर 15 साल के दरमियान में है। उनमें से मुतादिद बच्चे पढ़ते भी हैं, सुबह के वक्त और शाम के वक्त वो काम करते हैं। पूछना मैं आपसे ये चाह रही हूँ कि जो नया बिल आया है, नया कानून बना है, पहले हम पुराने कवानीन की बात कर लेते हैं बच्चों के लिए, काम करने वाले बच्चों के लिए पुराने कौन से कानून हैं, उनके ऊपर कितना काम हुआ है, कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। देखिए 18वीं तरमीम के बाद जो लेबर और चाइल्ड लेबर के हवाले से जो कानून साजी करनी थी 18वीं तरमीम के बाद, वो सूबों ने करनी थी। पंजाब हुकूमत ने कानून साजी के हवाले से तो इकदाम किए हैं, मिसाल के तौर पर पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2016 पास किया, फिर पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ ब्रिक किल्न्स एक्ट 2015 पास किया, जिसमें कहा गया 15 साल से कम का बच्चा जो है वो काम नहीं करेगा, और ईंटों के भट्टों पे 14 साल से कम का बच्चा काम नहीं करेगा, और उसके अलावा जो है ये भी उस कानून साजी की गई कि 15 साल से 18 साल के दरमियान का जो बच्चा है वो अगर काम करेगा तो वो हैजर्डस ऑक्यूपेशंस में काम नहीं करेगा, यानी कि उसे कोई ख़तरनाक किस्म का काम नहीं कराया जाएगा जिससे उसकी हेल्थ मुतासर हो। तो कानून साजी तो हुई, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड भी रेटिफाई किया और उसके बाद फिर मुतअद्दिद कानून पास किए चाइल्ड लेबर के हवाले से, लेकिन अलमिया ये था कि इन कानून साजी के करके इन कानून को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जा रहा, इम्प्लीमेंट नहीं करवाया गया। माहिर कानून की जानिब से आपने सुना है, और कानून क्या क्या थे, कब कब बने, ये भी आप को पता चल गया है, क्योंकि शराज जका साहब जो हैं वो एक जाने माने लॉयर भी हैं और खुद भी बहुत पार्टिसिपेट करते हैं इस तरह के कानून को बनने में। आपने क्या किरदार अदा किया शराज जका साहब, ताकि देखने वाले पता चल जाए कि आपने भी इस कानून को बनाने के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। लेकिन सबसे पहली बात यह कि 2016 में अलमिया ये था कि कानून उसका कानून के मुताबिक जो थे चाइल्ड लेबर इंस्पेक्टर्स पूरे सूबे भर में हर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट होने थे। इज्जत माब जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब की मावनत से हमने पूरे सूबे में चाइल्ड हर डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड लेबर इंस्पेक्टर्स अपॉइंट करवाए। अलमिया ये था कि वो भी करवाने पड़े हैं, वकला को बीच में आना पड़ा, इस तरफ निशानदेही करनी पड़ी, और ऑनरेबल जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं उनकी काविशें हम कह लें कि उन्होंने अपनी खिदमात जो है वो सर अंजाम दी, और उनकी वजह से जो इंस्पेक्टर्स हैं जो कानून में मेंशन किए गए थे और उनको इम्प्लीमेंटेशन इनकी दरखास्त के बाद करवाया गया है, उनकी तैनाती करवाई गई। उसके बाद 2015 में भी मंसूर अली शाह साहब ने हुक्म सादर किया कि जो घरेलू मुलाजमीन के हवाले से जो है लेजिस्लेशन जो है जिसमें चाइल्ड लेबर को डिप्लॉय किया जाता है, बच्चों को से काम करवाया जाता है घरेलू मुलाजमत के हवाले से, उसके हवाले से कानून साजी की जाए। 3 साल तक उसमें उसके हवाले से कोई कानून साजी नहीं की गई। फिर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने जब तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की तो फिर उसके हवाले से बिल जो है वो ड्राफ्ट किया गया, लेकिन उसके बाद भी कानून साज असेंबली से ये अब जाके 3.5 साल के बाद ये पास हुआ है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कोई किरदार है इस कानून को पास करने में? देखिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का किरदार इस हद तक एक बड़ा खुशाइंद किरदार है कि उन्होंने एक डिटर्मिनेशन के साथ उस दिन पंजाब असेंबली में इस बिल को पास करवाया, जबकि ऑपोजिशन नहीं चाह रही थी कि ये बिल पास हो। इसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब की एक जो एक्सपीरियंस्ड है वो बड़ा काम आया कि जिस तरह उन्होंने बड़े प्रोसीडिंग्स को ब्रुए कार लाते हुए अपनी एबिलिटी को अपने एक्सपीरियंस को ब्रुए कार लाते हुए उन प्रोसीडिंग्स को कंट्रोल किया और बिल को मेजोरिटी के साथ पास कर। और मैं यहां पे सिर्फ आखिरी बात ये कहूंगा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जवाद हसन साहब इन दोनों के डोमेस्टिक वर्कर्स के हवाले से फैसले अवेलेबल हैं जिसमें कहा गया कि इनके हवाले से इनके राइट्स को की प्रोटेक्शन के हवाले से चाइल्ड लेबर को दूर करने के हवाले से कानून साजी की जाए। नाज़रीन इसके अलावा एक फैसला भी अनकरीब आने वाला है जस्टिस जवाद हसन साहब का, और ये डोमेस्टिक जो कि लेबर
और बच्चों के ऊपर होगा बिलखसूस। इसके अंदर डोमेस्टिक जो भी लेबर होगी और इसके अलावा इंडस्ट्रियल लेबर होगी और वो बच्चे होंगे, उनकी उम्र होगी, वो फैसला क्या होगा उसके ऊपर भी हमारी नज़रें हैं और वो भी एक सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाएगा ये फैसला। तो वो फैसला भी अनकरीब आने वाला है, वो भी देखेंगे कि फैसले से क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी, उसके हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा से आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए।